नमस्कार, मैं हूं अमर। बड़ी चर्चा आज करेंगे गैंगस्टर्स को लेकर। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA हरियाणा और पंजाब के गैंगस्टर्स पर पूरी तरह शिकंजा कसने की अब तैयारी में है। NIA ने हरियाणा पंजाब के 8 गैंगस्टर्स को मोस्ट वांटेड सूची में डाल दिया है और उसके ऊपर 1 से 5 लाख रुपए तक का इनाम भी घोषित कर दिया है। वांटेड सूची में डाले गए गैंगस्टर्स लंबे समय से फरार चल रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। केंद्रीय जांच एजेंसी NIA ने पंजाब और हरियाणा से जुड़े कुछ गैंगस्टर्स को मोस्ट वांटेड सूची में शामिल किया है। इस सूची में शामिल 3 पंजाब के अलग अलग शहरों से हैं, 1 चंडीगढ़ और बाकी हरियाणा के हैं। आपको बता दें, NIA पिछले कुछ दिनों से गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत ये सूची जारी की गई है। पंजाब से गैंगस्टर अर्श डल्ला, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। चंडीगढ़ से गैंगस्टर गौरव पटिया, जिस पर भी 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। पंजाब से ही गुरपिंदर सिंह, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम है। पंजाब से सुखदूल सिंह, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। और वहीं हरियाणा के गैंगस्टर दिनेश शर्मा पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। हरियाणा के ही संदीप गैंगस्टर पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया। हरियाणा से दलेर सिंह पर 1 लाख रुपए का इनाम NIA ने रखा है। और हरियाणा से नीरज उर्फ पंडित पर 1 लाख रुपए का इनाम NIA ने रखा है। NIA ने गैंगस्टर्स पर लाखों रुपए का इनाम रख दिया है। जांच एजेंसी का कहना है कि जो भी व्यक्ति इन गैंगस्टर्स के बारे में कोई भी जानकारी देगा, उसका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा और विभाग की ओर से सूचना देने वाले को इनाम भी दिया जाएगा। पिछले साल 29 मई को पंजाब के मानसा में मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या की गई थी। हत्याकांड में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस विस्टोई और गोल्डी बराड का नाम सामने आया था। इसके बाद लॉरेंस ग्रुप ने न केवल पंजाब बल्कि हरियाणा सहित अन्य राज्यों में कई नामी लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बॉलीवुड स्टार सलमान खान को भी मारने की धमकी दी थी। लॉरेंस और बम्बिहा ग्रुप के बीच छिड़ी जंग के बाद NIA ने उत्तर भारत के खासकर 5 राज्यों में आतंकी और गैंगस्टर्स के गठजोड़ को खंगालते हुए उनके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और उन्हें आतंकी और मोस्ट वांटेड सूची में डाला है। मतलब साफ है, गैंगस्टर्स पर NIA का ग्रहण अब लग चुका है और जल्द ही ये मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स सलाखों के पीछे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो फिलहाल लगातार आपको दिखा रहे हैं NIA के रडार पर गैंगस्टर्स कौन कौन से हैं। किसी पर 5 लाख का इनाम, किसी पर 1 लाख का इनाम, तमाम एक एक सिलसिलेवार तरीके से चीजें आपको दिखा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं। नितिन दीवान भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। नितिन, बड़ी कार्रवाई समझे या सिर्फ ऐलान या फिर लोगों के भरोसे NIA बैठी है? देखिए, NIA का अगर हम पिछले 1.5 साल का पूरा घटनाक्रम देख लें तो लगातार रेड्स जो हैं वो की जा रही हैं उनकी तरफ से, और ये एक जगह नहीं, इसी रीजन में जो पंजाब हरियाणा और जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और दिल्ली में, क्योंकि जिस तरीके से गोल्डी बराड और अर्शदीप डल्ला ये वहाँ से जो सिंडिकेट चला रहे हैं और यहाँ पर पूरी रिक्रूटमेंट होती है फिलीपींस के जरिए, अन्य चीज़ों के जरिए फिर टारगेट किलिंग करवाई जाती है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के ही लगातार पहले क्योंकि किसी भी शख्स को आतंकवादी घोषित जब कर दिया जाता है तो उसके बाद फिर और गहन तरीके से जाँचें अन्य एजेंसियाँ भी करती हैं। तो अर्श डल्ला को जनवरी महीने में ही आतंकवादी घोषित कर दिया गया था और वो खालिस्तानी टाइगर फोर्स का भी वहाँ पे पूरा चलाता है कनाडा के बीच। इसके साथ साथ जो गुरप्रीत बाबा है वो भी, उसको भी जो है उसके ऊपर, और गौरव पटियाला, उन दोनों पर 5-5 लाख का इनाम रखा है, बाकी लोगों पर 1-1 लाख का। तो ये जो कुछ जो गैंगस्टर हैं, जो 3 गुरुग्राम के 1 करनाल का, तो ये गैंगस्टर वहाँ से बाहर से बैठ करके जो अर्शदीप डल्ला और गोल्डी बराड, ये वहाँ से लॉजिस्टिक सप्लाई करते हैं, इनके पास आता है चाहे पैसा हो, फिर बाद में बताया रिक्रूट किए जाते हैं जो बेरोजगार लड़के,
फिर उनको पैसे देकर के जहां हथियार लेने हैं टारगेट क्या होगा, क्योंकि हाल ही में दिल्ली पुलिस ने कुछ ये सिंडिकेट लॉरेंस बिश्नोई के पकड़े थे। जब हमने पूछा उनसे सारा तो बताया गया कि इनको पैसे भी बहुत मिनिमल दिए जाते हैं और एक को पता नहीं होता कि दूसरा कौन है। तो एक जगह से हथियार उठाने, एक जगह से फोटो मिलेगी, एक जगह से कहाँ काम करना है वो बताया जाता है। तो ये करके फिर वो टारगेट किलर को अंजाम देते हैं। अब एनआईए इसी नेक्सस को तोड़ने में लगी है कि जो फंडिंग होती है उसको ये कर दिया जाए, और इसी के मद्देनजर ये सारा घटनाक्रम चल रहा है। अब चूंकि 5-5 लाख का इनाम घोषित किया है, इससे होता क्या है कि एक तो लोगों में एक सजगता बढ़ती है, और दूसरा ये भी कहा गया कि जो नाम बताएगा, इनका जानकारी देगा, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। जी जी। तो उससे और एक प्रो ये दूसरे देश से अगर मान लो प्रत्यार्पण की बात आती है तो ये भी तथ्य चीजें रखी जाती है कि यहाँ पर इनामी है, बदमाश है। तो ऐसे में क्योंकि इनको इसको तो वैसे भी आतंकवादी घोषित किया जा चुका है अर्शदीप डल्ला को, तो ये तमाम चीजें हैं। और ये जो नेक्सस है ये काफी गहन तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। बिल्कुल, और ये बिल्कुल, भी जानकारी सामने आई थी सूत्रों से, काफी इनका मायाजाल फैला हुआ है, और पंजाब से लेकर हरियाणा, यूपी से लेकर तमाम चीजें। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लॉरेंस बिश्नोई से लेकर गोल्डी बराड या फिर बाकी ममिहा ग्रुप की बात करें या फिर अन्य ग्रुप्स की बात करें, ये सिंडिकेट जो है हर जगह फैला हुआ है। एनआईए ने इसीलिए सूची जारी की है, किसी पर 5 लाख, किसी पर 1 लाख का इनाम रखा गया है। खास मेहमानों को भी जोड़ेंगे। तो गैंगस्टर्स पर एनआईए का ग्रहण लग चुका है। सूची आपने देखी कि किस तरीके से किसी पर 5 लाख, किसी पर 1 लाख का इनाम रखा गया है। एनआईए को शक है कि विदेशों में ये छुपे हुए हैं। अब विदेशों की बात की जाए तो विदेश में कई कंट्रीज आती हैं। कनाडा की बात की जाए, आर्मेनिया की बात की जाए, जो आधा यूरोप में है, जो आधा एशिया में है, इंडोनेशिया, हांगकांग, जर्मनी या नेपाल के रास्ते बाकी देशों की बात की जाए, जाना भी आसान होता है। मुख्य मेहमानों से तारुफ करवा देता हूं आपका। शशिकांत साहब हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व डीजीपी पंजाब से, और महाराज सिंह पूर्व एसपी साहब हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। शशिकांत साहब, पंजाब के आप पूर्व डीजीपी रहे हैं और आपको पता है कि पंजाब में किस तरीके से ये पूरा सिस्टम चला करता था, और आपने अपने सर्विस के दौरान काफ़ी अच्छा काम किया। आपने भी गैंगस्टर्स की धरपकड़ के लिए काफ़ी कोशिश की थी। लेकिन शशिकांत साहब, चूक कहाँ हो जाती है? ये जो आप सूची जारी की है और लोगों पर कहीं ना कहीं डिपेंड रह रही है एनआईए, ये मजबूरी का है या फिर एक एक्शन के तहत ये एक नेक्स्ट लेवल का प्रोसेस कहें, समझे क्या? ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, और ग्राफिक्स में आप देखिएगा कौन कौन से फिलहाल यहाँ पर नाम हैं, और इसमें देखिएगा कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर हमेशा चर्चाएं चली एनआईए ने। हालांकि पंजाब के कई ऐसे कुख्यात गैंगस्टर हैं जिनके फिलहाल नाम जारी किए हैं। सतजिंदर सिंह और गोल्डी बराड है, ये हालांकि कनाडा में है। इसी तरीके से और सूची है, अनमोल बिश्नोई की बात की जाए वो भी बठिंडा जेल में बंद है, लॉरेंस बिश्नोई का भाई है और अमेरिका में रह रहा है। इस तरह कई और भी लोग हैं। महाराज सिंह, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूँ जी। सर, सवाल आपसे करता हूँ, शशिकांत साहब तक पहुँचने की मैं कोशिश कर रहा था लेकिन आपसे शुरुआत करता हूँ। एनआईए की सूची को आप किस तरीके से देखते हैं और इसका क्या असर होगा? सर, ये अच्छी बात है, और एक जो प्रोसेस होता है उसमें ही ये शामिल है कि उनको पहले इनाम घोषित किया जाए। और इसमें खास है कि दो चीजें इसमें जो है जी, एक तो नाम जो सीक्रेट रखने की बात होती है, और एक जो इनाम दिया जाता है, तो इससे जो आम आदमी है उसका इस तरफ रुझान होता है कि वो बताए। इसमें जो सीक्रेट रखने की बात है उसमें एक खास बात मैं बताता हूँ कि जो जिस अधिकारी से कोई उसका मैं मुखबर शब्द का इस्तेमाल करूंगा या इन्फॉर्मर का शब्द का इस्तेमाल करूंगा, वो जिस अधिकारी की पे उसे एतबार होता है उससे वो मिलता है और उसे उसके बारे में जो भी डिटेल उसे पता होती है वो बताता है, और अगर वो इंफॉर्मेशन पूरी हो जाती है तो उसका जो इनाम आता है वो उस अधिकारी के मार्फत आता है। अधिकारी उसको अपने सीनियर के पास भेजता है, सीनियर भी उससे नाम पूछें और वो बताए जरूरी नहीं है। तो सीक्रेसी तो इतनी रखी जाती है जी के नाम जिस आदमी पर मुखबर का भरोसा है, जिस अधिकारी पर, उसके और मुखबर के बीच में ही ये बात होती है कि कौन इन्फॉर्मर है कौन नहीं है, और उससे किसी को नहीं बताया जाता
जी, इससे आम जनता में भरोसा भी बनता है और जो इनाम की राशि दी जाती है उससे उसे ये भी लगता है कि मुझे उसका पारितोषिक मिला है। अब जो ये एक मतलब एक प्रोसेस है उससे इनामी बदमाश घोषित करना, अब ये तो उग्रवादी भी हैं तो बाहर उग्रवादी से ये है कि जो बाहर हैं उनको लाने में आसानी थोड़ी होती है, जो हमारी संधियां देशों के साथ उसमें लाने में होती है। इसमें खास बात एक और भी है कि किसी को हम इनामी घोषित करते हैं तो उसकी एक उसके रिश्तेदारों की उसके मिलने वालों की एक लिस्ट बनाते हैं पुलिस अधिकारी जो है जी, लेकिन कुछ ऐसे भी रह जाते हैं जिनकी उस सूची में नाम नहीं होता है, जो इन्फॉर्मर है उसके पास हो सकता है कि कोई ऐसे नाम भी हों जो सूची नहीं है, जिनको पुलिस वाले कांटेक्ट नहीं कर पाए या जिन पर निगरानी नहीं कर सकते हैं जी। तो उससे एक आसानी हो जाती है कि कोई नई जगह अगर उस दोषी क्या मैं उसे इनामी जो बदमाश है उसने जो की है जी, उसको भी तो एक तरह से वो पुलिस को पता चल जाता है। चलिए ठीक है, शशिकांत साहब मेरी आवाज आप तक आ रही है तो सवाल आपसे है, एनआईए की सूची आपने भी देखी होगी और एनआईए को शक है, एनआईए ने कहा है कि ये विदेशों में छुपे हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि एनआईए के फिर विकल्प क्या रहते हैं, एनआईए फिर कार्रवाई कैसे करती है? शशिकांत साहब, एनआईए ने आज ही सुबह एक लिस्ट जारी करी है जिसमें की स्पेसिफिक अमाउंट्स जो हैं उन्होंने बताया, इसके लिए 5 लाख, इसके लिए कुछ और जो और छोटे मोटे हैं गुर्गे उनके लिए 1 लाख होता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ व्यक्ति जो विदेशों में छुपे हुए हैं जब उनका डोसियर बना के भेजा जाता है उसमें अगर ये आता है कि ये इन पे इनाम भी रखा गया है तो ये केस को और स्ट्रेंथन करते हैं, क्योंकि प्रोसीजर ये होता है कि अगर जब इनका एक्सट्रेडिशन शुरू होता है दैट इज बिटवीन बोथ द कंट्री, जिसमें कि हमारी कंट्री जैसे है हमें उनको एक्सट्राइज करना है तो वहां के कोर्ट में हमें प्रूव करना पड़ता है ये व्यक्ति इनामी है, इनाम भी घोषित किया गया है और इसलिए घोषित किया गया है क्योंकि हमारे देश की रक्षा सुरक्षा और दूसरे जो स्ट्रेटजिक रीजंस हैं उसके लिए इनको पकड़ना बहुत लाजमी है। ये तो बात हो गई जो कि विदेशों में छुपे हुए हैं उनके केस को एक्सटेंडन करने के लिए ये होता है। इसमें आई विश की एनआईए ने 5 लाख और 1 लाख वगैरह रुपए के बजाय ज्यादा रखा हो, जितना अनुमान ज्यादा होगा दैट मींस की हमें उनको पकड़ने में उनकी जरूरत ज्यादा है और केस जो है फॉरेन अदालत जो है उसमें और स्ट्रेंथन हो जाएगा। ये और सबसे बड़ी बात यह है जिसको मैं कहूंगा कि एटलीस्ट एनआईए ने इस चीज को एक उसका संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। अभी तक तो यह था कि हर स्टेट कोशिश करती थी जी। और ये व्यक्ति जो है गैंगस्टर आज इस स्टेट में छुपे हैं, कल किसी और स्टेट में है, परसों किसी और स्टेट में है, इनके लिंक्स जो है जिनको कि हम अपनी हमारी भाषा में स्लीपर सेल्स के साथ उनका कोऑपरेशन और योगदान को भी कहते हैं वेरी वास्ट। और जब एनआईए आती है दे गेट एक पार्ट ऑफ हिंदी में बात करें एक थानेदारी जैसी चीज, दे गेट अ सुपरवाइजरी रोल आल्सो, दे कैन टेल विद योर स्टेट गवर्नमेंट दैट दे हैव टू डू दिस थिंग एंड कैच दिस थिंग। तो कोऑर्डिनेशन जो है डिफरेंट स्टेट्स के बीच में बहुत जरूरी हो जाता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप, हर तरीके से बहुत वेलकम। बिल्कुल शशिकांत साहब, आपने अपने कार्यकाल में काफी बेहतर काम किया है, लेकिन कुछ गैंगस्टर्स की सूची मेरे पास है वो भी आपको बता देता हूँ। हरजोत सिंह गिल ये भी अमेरिका में है, दमनजीत सिंह उर्फ दरन कालो की बात की जाए ये अमेरिका में है, अमृत बल ये भी विदेश में बैठा है अमेरिका, ऐसे कई गैंगस्टर हैं जो कनाडा में हैं, हांगकांग में हैं, या जितनी भी मैं सूची देखूं वहाँ कनाडा का नाम ज़्यादा आ रहा है और अजरबैजान से लेकर मलेशिया से लेकर फिर आर्मेनिया तक का नाम सामने आ रहा है। लेकिन सवाल ऐसे में ये है कि प्रत्यापन या फिर प्रोसेस जो होता है वो इतना जटिल होता है कि पकड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर ये आसान होता तो गोल्डी बराड भी सिद्धू मूसेवाला के बाद हिरासत में होता, तो ऐसे में क्या विकल्प रह सकता है, क्या प्रोसेस होता है? शशिकांत साहब, देखिए एक्सट्रेडिशन ये इतना आसान नहीं होता, सबसे पहला स्टेप होता है कि दोनों देशों के बीच में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होनी चाहिए, उसके बाद वी हैव टू प्रूव ये व्यक्ति जो है हमारे यहाँ इन इन केसों में नामजद है, इसके खिलाफ हमारे पास ये प्रूफ है। पर अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, दो कारण, अगर हम अपने देश की बात करें, एक मैंने केस फाइल किया था हाई कोर्ट में 20359 और 2013, उसमें हाई कोर्ट में आदेश दिया था 13 व्यक्तियों का जो कि कनाडा में छुपे हुए हैं एक्सट्रेडिशन के लिए,
देवर गैंगस्टर, देवर ड्रग स्मगलर, ज्यादा ड्रग लॉज को बता। 2013 लेके अब 23 हो गया है, अभी तक ये व्यक्ति जो है कैनेडियन गवर्नमेंट कहती है इनका एग्जैक्ट लोकेशन बताइए, अगर वो कैनेडा में छुपे हुए हैं तो इंडिया की लोकेशन कहाँ होगा, और अगर कैनेडा की बात करें उसके बीच में पोलिटिकल रीजन, क्योंकि वहां पे डायस्पोरा जो है उसका एक बहुत बड़ा रोल है, देर इज सपोर्ट, उनके सपोर्ट के बिना कोई भी वहां पे गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाना मुश्किल हो जाता है। ये पोलिटिकल रीजन भी आ जाते हैं और दूसरी कुछ ढील भी आ जाती है। अगर मैं कहूँ मैंने देखा हमारे यहाँ भी ढील है, अब 2013 से कैनेडियन कहते हैं उछाल के बॉल हमारे पास भेज देते हैं, इसको बताओ कनाडा में कहाँ छुपा हुआ है, हमारी जो एजेंसीज हैं चाहे रॉ है चाहे कुछ, दे ट्राई टू डू इट, व्हाटएवर द रीजंस आर, क्योंकि इनका भय भी होता है, अभी तक वो नहीं हुआ, एक्सट्रैडिशन इज नॉट इजी। इसके खिलाफ कुछ स्टेट्स हैं, कुछ कंट्रीज हैं, नेपाल ने बहुत किए हैं, मलेशिया ने बहुत किए हैं, थाईलैंड ने बहुत किए हैं, कुछ स्टेट्स में जहाँ की गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ कि पोलिटिकल रीजन उनके बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट इज वेरी रिलक्टेंट, जबकि कुछ और गवर्नमेंट्स हैं केन्या ने भी किया है, तो दैट्स कंपैरेटिवली इजी, सो इट ऑल रिवॉल्व पार्टली अराउंड पॉलिटिक्स, पार्टली अराउंड अवर ओन एफर्ट, हम कितना उनके खिलाफ मजबूत केस बना सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल शशिकांत साहब और मारा साहब हमारे साथ आप जुड़े रहे हैं। तो एनआईए का ग्रहण साफ तौर पर नजर आ रहा है और सूची लगातार आपको दिखाई और हमारे मेहमान शशिकांत साहब महाराज साहब दोनों जुड़े हुए हैं। महाराज साहब आपसे जानना चाहूंगा ये सिंडिकेट किस तरीके से काम करता है, इसको खत्म पहले नहीं किया जा सकता क्योंकि गैंगस्टर जो है वो शुरुआत नीचे से करता है और लगातार आगे जो इसका फैलाव है वो जेल से भी चलता नजर आता है, तो रोकने के लिए क्या हो सकता है और सिंडिकेट कैसे काम करता है संक्षेप में बताइएगा। कोई भी जो क्राइम है उसमें जब बड़ा क्रिमिनल छोटे को जोड़ता है उसका ये खुलासा होना कि ये किस गैंग से जुड़ा जब तक वो पकड़ा नहीं जाए पता नहीं चल पाता है, उसको फिर उसके लिंक से जुड़ने के बाद ही सारे जो सिंडिकेट का पता चल पाता है। अब जैसे ये कई स्टेट्स में डील कर रहे थे, मान लो हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें जी, तो जो लोकल पुलिस है उसके पास ना तो इतना टाइम होता है कि वो हर जगह जाके उसके बारे में पता कर सके। अब जैसे एनआईए है वो तो एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पर डील करती है, जहां तक बात देश की है उसमें तो करती ही है, तो वो एक मतलब हर जगह जाके पता कर लेती है, हर स्टेट में चली जाती है, उनको जो कोऑपरेशन की बात है पुलिस की, वैसे तो कोऑपरेशन हर स्टेट की आपस में मीटिंग भी होती रहती है, कोऑपरेट भी करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती है जो कोऑपरेशन से अलग रह जाती है। जो पिछले दिनों आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस की बात थी, किसी को दिल्ली से लेके चले और रास्ते में रोक दिया गया, पंजाब पुलिस लेके जाती थी, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती है, उन्हें वैसे बहुत सीरियस बात भी नहीं है क्योंकि पुलिस बेसिकली आपस में कोऑपरेट करती है, लेकिन एक नोडल एजेंसी ऐसी हो जो सबके साथ मिलके सबसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसे डेवलप कर ले। बिल्कुल ठीक है शशिकांत साहब, से लास्ट रिएक्शन ले लेता हूं। शशिकांत साहब गैंगस्टर से फिर नाम जुड़ता है आतंकवादी, क्या विदेशी ताकतें इसके पीछे हैं और विदेशी फंड भी एक बड़ा कारण है, संक्षेप में 30 सेकंड फॉर यू सर प्लीज। गैंगस्टर्स और जो योर टेररिस्ट हैं सीधा इनका संबंध तो मैं नहीं मानता हूँ। गैंगस्टर्स की बात कर जैसे महाराज सिंह साहब बता रहे थे, उन्होंने कहा कि पुलिस का, मेरा अपना मानना है कि गैंगस्टर्स की शुरुआत होती है वो नहीं पकड़े जाते हैं, क्योंकि गैंगस्टर्स का एक सेक्शन लोकल पुलिस का, लोकल पॉलिटिशियंस के साथ दामन चोली का साथ होता है, दे आर यूज फॉर इलेक्शन एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ पर्पसेस, लैंड ग्रैबिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जी जी, जब एनआईए का उनके ऊपर दबाव पड़ता है, हीट जनरेट होती है, तब ही लोकल पुलिस जो है आमतौर पे कोऑपरेट करनी शुरू करती है। जी, आपने पूछा जेल की, जेलों का भी हाल यही है कि वहां पर भी पैसा भी चलता है। एक व्यक्ति, मैं पंजाब की जेलों की बात करूं, आमतौर पर यहाँ पे यह होता था कि जो जिस व्यक्ति की भर्ती जहां से वहीं से रिटायर होता है, अगर 20-25-30 साल का उसका सर्विस का स्पैन है तो उससे लोकल सेल्स नहीं बन जाएंगे। तो बेसिकली इट इज करप्शन, इसमें जो पुलिस का है, पॉलिटिशियंस का है, चाहे कोई जेल के कर्मचारी, उन सबका रोल है। और दूसरी बात की अब आपने कर जी जी संशय में गैंगस्टर्स का एक कद जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है एंड
फॉरेन पावर्स जो है, जैसे हम यहाँ बात करेंगे ISI की बात करेंगे और सेक्शन ऑफ डायस्पोरा की बात करेंगे, वो चाहते हैं कि यहाँ पे इंटरनल ट्रबल इंडिया में क्रिएट हो, तब उनका वरद हाथ जो है, उनका जो आशीर्वाद वाला हाथ है। चलिए ठीक है, शशिकांत साहब और महाराज साहब, थैंक्स टू बीइंग विद अस। तो तमाम मेहमानों ने अपनी अपनी बात रखी है। तो साफ तौर पर NIA का जो शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आ रहा है और ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है NIA का। देखना होगा किस तरीके से इनकी धरपकड़ होती है। नमस्कार।